कसौटी पर खड़े उतरे। आपने देखा होगा कुछ पेड़ पौधों के पत्ते मसलने पर ही सुगंध छोड़ते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल संकट के समय चमकते हैं। सोना आग में जितना तपता है उतना निखार पर आता है, दमकता है। खेल केवल इसी बात का रहता है कि ऐसे जीवन वाले लोग अपना अधिकांश जीवन व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। इसके बावजूद अपने अल्प जीवन में भी वह जो कर जाते हैं महान बात होती है। उदाहरणार्थ अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे बना? अमेरिका के गृह युद्ध के संकट में उसकी शक्तियां जाग उठी। अब्राहम लिंकन के बाद सर्वाधिक ख्याति ग्रंट ने पाई। ग्रंट क्या थे? बीए तक पढ़े सामान्य छात्र जब वह 32 वर्ष के हुए तो उन्हें अयोग्य करार देकर नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद वह स्टोर कीपर बने। फिर तभी गृह युद्ध छिड़ गया। उसने एक टुकड़ी संभाली। देखते ही देखते वह सेनापति बन गए, अमेरिका का सर्वोच्च सेनापद पाया। वह लिंकन के बाद दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति माने गए। उनकी कार्यकुशलता रणकौशल देखकर दुनिया हैरान हो गई। इसी प्रकार अमेरिका के विख्यात न्यायाधीश मिल्टन के लिए 37 साल की उम्र तक कालाक्षर भैंस बराबर था। इस उम्र को पार करने के बाद उन्होंने क ख घ सीखा। अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर वह अमेरिका के सर्वोच्च न्यायाधीश बने। यह एक अनहोनी घटना है। मिल्टन ने इसे सार्थक कर दिखलाया। अचानक कोई संकट, कोई प्रेरणा, कोई पुस्तक मनुष्य का जीवन बदल देती है। तब तक वह व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है, देखने वाले इसको भाग्य किस्मत का खेल कहते हैं। हमारे शरीर की गुप्त शक्ति कोई भी चमत्कार दिखला सकती है, पर यह तो नितांत गलत है कि हम इस प्रकार की किसी गुप्त शक्ति या चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहें। समझदार आदमी स्वयं प्रयास करके अपने इन शक्तियों को जगाता है। इसी कारण यह माना गया है कि हमारे व्यक्तित्व का विकास बाह्य सहायता पर आधारित नहीं होना चाहिए। सारी क्षमता अपने आंतरिक होनी चाहिए। सारी क्षमता अपनी आंतरिक शक्तियों से ही पानी चाहिए। संकटों में संघर्ष करते हुए, कष्ट झेलते हुए जब हम साहस के साथ निर्द्वंद मार्ग पर बढ़ते हैं तो अपने आप सारे अभाव दूर हो जाते हैं और संकट कट जाते हैं। सब कुछ हमें अपने बल पर करना चाहिए। जो लोग अपने पैतृक संपत्ति के बल पर कुछ कार्य करते हैं उनको सफल नहीं माना जा सकता। अपने कदमों पर आगे बढ़ना ही पुरुषार्थ कहलाता है। आप इस बात का स्वयं निर्णय कर लें। आप स्वयं इस बात को अपने घर पर देख सकते हैं। घर पर जब बढ़िया आटा हो वह खूब फूल जाए तो रोटियां स्वाद देती हैं। इसी प्रकार जब तक आपकी सारी शक्तियां विकसित नहीं होती हैं तब तक जीवन का आनंद नहीं मिलता है। आपके अंदर सब गुण विद्यमान हैं और सब प्रकार की शक्तियां निहित हैं। आपके अंतकरण में महान बनने की शक्ति मौजूद है। जब तक उनको आप ठीक से अंकुरित नहीं कर सकते तब तक विकास कैसे होगा? विकास होने पर ही वृक्ष बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कसौटी पर खरे उतरें।